तो सैमसंग से ऐसे ही उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी कम प्राइस में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में दोनों ने दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, जो कि M10 और M20 है, जो कि काफ़ी अच्छा सेल भी उनका चल रहा है। लेकिन दोस्तों उसमें जो कि फीचर वगैरह दिए गए थे काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में काफ़ी कम प्राइस में लॉन्च किया गया था। हालांकि जबकि सैमसंग कंपनी जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही ज़्यादा फोकस करती थी, उनका मिड रेंज का स्मार्टफोन था जो कि उतनी ज़्यादा सेल नहीं हो पाती थी क्योंकि उनका जो स्पेसिफिकेशन था बहुत ही कम दिया जाता था कि अदर कंपनी के ब्रांड के से एसुस जैसे रियलमी कंपनी के कंपेयर में काफ़ी लो स्पेसिफिकेशन के साथ में हाई प्राइस रखा जाता था, इसलिए उनका मिड रेंज का स्मार्टफोन ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही थी। लेकिन सैमसंग ने कमबैक किया और उन्होंने दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो कि काफ़ी कम प्राइस पे काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च किया। और दोस्तों और सैमसंग का एक और M सीरीज़ का स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले जो कि M30 का है, जो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले आपको मिलने वाला जो कि 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि फुल HD वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फुल HD का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको भी टाइप का नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मेन और जो कि इसका कैमरा इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन देखने को ऐसा लीक्स और रूमर निकल कर यह आ रही कि इसमें चूँकि बैक साइड में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी 2 कैमरा के बारे में क्लियर किया गया, जो कि पहला होगा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा है 5 मेगापिक्सल का। हो सकता है तीसरा के मेगापिक्सल का जो कि कैमरा हो जो कि आपको देखने को मिल जाए, टेली फोटो लेंस वाला कैमरा आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसका जो कि फ्रंट कैमरा के। फ्रंट कैमरा को ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। जो बैटरी आप इसमें बोल सकते हो पावर पैकेज या पावर हाउस बोल सकते हो, इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और इसमें आपको चूँकि प्रोसेसर दे रहा है दिया जा रहा है कि दिल धड़कन या जान जो भी बोल सकते हो आप, जो कि इसका मेन जो चिपसेट यूज़ किया गया है इसमें जो कि एक्जिनो का, जो कि सैमसंग का अपना ही चिपसेट है, जो कि एक्जिनो का 7904 वाला चिपसेट यूज़ किया गया है, जिसमें आपको बोल सकते हो कि अगर कंपेयर किया जाए स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में तो आपका इसका एंटीटू बेंचमार्क लगभग 1,07,000 से 8,000 के बीच में इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आता है। इसको कंपेयर किया जाए तो स्नैपड्रैगन के 632 से आता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका जो कि इसके प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका प्राइस लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 के प्राइस में लॉन्च करेंगे। तो लेकिन इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर 15,000 के स्मार्टफोन आपको मिल रहा है, 15,000 में इतना अच्छा स्मार्टफोन जो कि सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड की तरफ से मिल रहा है, तो बोल सकते हैं कि एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। अगर आप रेडमी नोट 7 परचेस करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप सैमसंग N30 के साथ भी जा सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों बात कर रहे थे जो सैमसंग का जो कि रिकॉर्डिंग कितनी आप FPS पे आप इसमें आसानी से कर सकते हो, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है कि नहीं। हाँ दोस्तों इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आपको 30 FPS पे अल्ट्रा HD में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 4K में। और दोस्तों इसमें आप फुल HD में आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसमें आपको 130 FPS पे आप फुल HD में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों और इसमें जो कि चिपसेट के अलावा अगर छोड़ दिया जाए, चिपसेट के अलावा अगर इसमें आप जो भी स्पेसिफिकेशन है बहुत ही अच्छी है और अच्छी प्राइस पे भी से आप कंपेयर करोगे तो किसी अदर स्मार्टफोन कंपनी से तो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करा रही है सैमसंग। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर है थोड़ा सा वीक बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो कि कौन सा आप बोल सकते हो इसकी जो कि कमजोरी है इस स्मार्टफोन की, जो कि इसका प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें अगर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन और भी कह सकते थे। लेकिन दोस्तों इस प्राइस में आप ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल वाले बैनर का भी दबा दीजिएगा। आपको मेरे ऐसे चैनल पर टेक वीडियो देखने को